देखिए गुणनखंड प्रमेय के आधार पर दिखाइए कि ये जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड ये है। वैसे ही ये सब क्वेश्चन दिए हुए। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू में बहुपद हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर 2x का पावर 4 प्लस का 9x³ प्लस का 6x² माइनस का 11x-6। हम लोग क्या देख रहे हैं कि x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो x माइनस वन इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। अगर गुणनखंड होगा तो ये बहुपद का मान 0 कर देगा 1 रखने पे। तो 2 × 1 का पावर 4 प्लस 9 × 1 का³ प्लस का 6 × 1 माइनस का 11 × 1 और माइनस का यहाँ 6। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 2 + 9 + 6 माइनस का 11 - 6, 6 से 6 कैंसिल, ये 11 - 11 जीरो आ जा रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि बहुपद बहुपद 2x का पावर 4 प्लस का 9x³ प्लस का 6x² माइनस का 11x - 6 का एक गुणनखंड जो कि है क्या है x-1 है। समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखिए क्वेश्चन।